से जब वो हूर की परी जंगल बियाबान में राजा जैसलदे को मिलती है, वो जैसलपुर के राजा थे, उस पर आशिक हो जाते हैं। पंडित जी की रागनी है, बियाबान में रहते रहते क्युकर बाजा तांत्री, रंज फिक्र में लाली झड़गी चंद्रमासी शांत्री, उस पर मोहित हो जाता है, आशिक हो जाता है। फिर उसको वो समझाती है, बोली मैं तेरे साथ कैसे चलूं, तू एक अनजान औरत देख के और टूटन हो रहा, मर्दों का एतबार नहीं मने, कैसे होते हैं मर्द, क्या बताया उसने बोला। ओ कुछ सबर सियानती घूट जले, अरे राजा हो के रैयत संग रहा इश्क से मट टूट जले। ओ शकुंतला दुष्यंत का इतिहास बताती है कि कणव ऋषि के पास उसके डेरे में शकुंतला रहती थी। राजा दुष्यंत आशिक हो गए, प्रेम विवाह कर लिया, प्यार की अंगूठी दे दी जिस पर दुष्यंत लिखा हुआ था, ने बोला याद सताओ जब आजिए, और वह गई जब पहचान तो बिना अट गया, बोला ईशे मर्द और क्या बता भला। नारी शकुंतला नारी शकुंतला रहा करे थी कणव ऋषि के डेरे पे, राजा दुष्यंत आशिक हो गया चंद्रमा से चेहरे पे, शादी कर दी प्रेम निशानी गुठी अपने फेरे पे, नू बोलिया जब याद सतावे आइए महल तू मेरे पैनू बोलिया, वापस गई जब नहीं पिछानी रोई सिर न कूट जले। ओ हाँ बता, कृष्ण को तो भगवान कहते हैं देश में, वो भी धोखेबाज था, किसा मर्द था, सारी उम्र गोपनीया के साथ रहा, एक कुत्ता भी दोहरे रह जाना कुत्ते में प्यार हो जाग रहे,
गोपिनिया ने छोड़ के चला गया। वह रोती रहेगी बेचारी, रोती हुई गोपिनिया ने क्या कहा भला। देखे कृष्ण जी ने, कृष्ण जी ने गोपनिया के अपने ना का बहम करया, साथ रहा दिन रात प्रेम से संग रहन का नेम करया। वो छोड़ चलिया वह रही रोमती, न पाथर दिल ने रहम करया। न्यू पुलिस नंदलाला ते प्यार न्यू हमने सहम करया। न्यू पुलिस काला हमने ले गया लूट जले। ओ जज साहब कह रहे थे बड़ी दर्दनाक, अरब देश जहां रेत ही रेत, वहां एक लड़की थी चंद्रिका और एक लड़का बाथम। वो बाथम 50 साल की उम्र हो जाती है और चंद्रिका से प्यार करता है वो। आखिर में उनका समझौता हो जाता है। वो समझौता कैसे, ना नोमन तेल हो ना राधा नाचे। न्यू बोली लाल गुलाब का फूल ले आ दे मेरे ताई, मैं तेरे से प्यार कर लूं। वो एक नामुमकिन सौदा, वहां घास का तिनका भी नहीं, हजारों मील तक घूमता फिरता बुढ़ापा आ जाता है, कहीं कुछ नहीं मिला। एक आदमी ने बताया कि भाई फला बाग में चला जा, वहां मिल जाएगा। लंगड़ाता वहां गया, वहां फूल तो मिल गया लेकिन सफेद। उसकी आखिरी आस थी जो आरजू वो भी खत्म होगी। वो बेहोश हो जाता है और वहां डाली के साथ गिर जाता है। इस सीन को एक बेचारी बुलबुल देख रही थी। ओहो ये आदमी तो मरेगा। वो गुलाब की जो बेल थी, लता थी, उससे उसने अनुरोध किया कि ये आदमी बेचारा मरेगा, तू लाल गुलाब बना दे। वो लता कहने लगी कि कई हजार फुट नीचे तक पानी नहीं है, मैं लाल कैसे बना दूं। वह बुलबुल कहते हैं कि मैं अपना खून देती हूं और तू इस फूल को लाल बना दे, इसका जीवन बच जाएगा। गुलाब के फूल में कांटे होते हैं दोस्तों। वो बुलबुल फूल के ऊपर बैठ गया, कांटा चुभ गया, उसका खून सुबह तक लेती रही वो बेल। सुबह फूल लाल हो गया, सुबह उसको होश आया, ओए होए होए लाल फूल, सारे अरमान पूरे हो गए। ऊपर वो बुलबुल बेचारी मर गई। उस बुलबुल ने बगाकर फूल तोड़ के भाज लिया। बोली इसे मर्द क्या कहा भला। चंद्रिका ने बाथम धोरे लाल गुलाब मंगाया, बाथम फिर लिया सारे के पर लाल रंग ना पाया। बेहोश होके गिरा बाग में, रहम बुलबुल ने आया, बुलबुल ने दिया
खून लता ने लाल ही पुष्प बनाया, बुलबुल ने वाह मरी हुई बुलबुल, हो मरी हुई बुलबुल दूर बगा लिया फूल तोड़ी सुबह उठ जले, ओ बेहोशी में कदे नहीं सोचो इबा में एमपी एमएलए बिके नहीं, औरंगजेब भी अपने बाप को कैद में डाल के दारा शिवा सारे कत्ल करवाए थे। राज का मामला ही ऐसा होता है। नू बोली महाराज जय मैं तेरी गैल चाल भी पढ़ूं और दूसरी रानी हो, और जब मेरा लड़का होगा उसके राज तिलक ना हो, जो गुर चांद गए आगरे नू गए जाएंगी सारी दुनिया, न्यू पूछ जाएगी कौन लिया है कौन से लगाई, सारी दुनिया फसके खड़ी हो जाएगी और मेरे तो झूठ नहीं बोली जाएगी। एक आदमी पूछने लग गया थे मैं झूठ नहीं बोलूंगी सच्ची बता दूंगा, आदमी टकरा गया थे कौन भला के शोक दूसरी रानी हो कहते अलग मेरे ते तू रहने लगे, राज तिलक ना हो मेरे पूत के ते मेरा चांद सा गहन लगे, राजा गैर स्त्री लाया जय तेरी प्रजा कहने लगे, किस किसने समझावेगा जब सारी दुनिया फैल लगे, किस किसने रमेश कुमार, ओ रमेश कुमार बुझन लग गया ते न बोली जाएगी झूठ सड़े, ओ बेहोशी में सबर सारी